हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि अगर आपको गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो वो मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा एक वेबसाइट है, उस पर मुझे गूगल एडसन का अप्रूवल चाहिए था। मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया और मुझे अप्रूवल विद इन 4 डेज मिल गया। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपको अप्रूवल लेना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको अपने वेबसाइट पे लेके जाऊँगा, वहाँ पर आपको दिखाऊँगा, प्रूफ दिखाऊँगा कि मेरे वेबसाइट पे एडसेंस की ऐड चल रही है, ठीक है। ये है मेरा वेबसाइट ऑल इन वन, इसका डोमेन नेम है golik.com। आइए देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए गूगल द्वारा विज्ञापन ही गूगल का ऐड स्टार्ट हो गया और मैंने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया था और मुझे अप्रूवल भी मिल गया। तो दोस्तों आपको एक्चुअली वेबसाइट में करना क्या है वो मैं बताऊँगा कि पोस्ट कितनी होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, मतलब साइड बार वगैरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो डोमेन नेम है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फ्री का यूज़ करें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ्री की डोमेन में आप अर्निंग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैंने यूज़ किया है फ्री का जो डोमेन नेम और होस्टिंग मैंने कराई है और वेबसाइट काफ़ी बार दिन में 4 से 5 बार बंद पड़ जाती है, 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो आप वो काम मत कीजिए। आपको अगर अर्निंग करनी है और कुछ सीखना है तो 1000-1200 रुपये साल का खर्च कीजिए और एक डोमेन नेम ले लीजिए और आपको होस्टिंग भी थोड़ा सा खरीदनी पड़ेगी, वो भी 700-800 तक मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों डोमेन नेम अच्छा लीजिए, ठीक है, मतलब उल्टा सीधा नाम ना होना चाहिए, अच्छी डोमेन नेम होनी, जैसे ये golik.com है, cizo.com है, www.information18 है, या स्टडी क्यू है, स्टडी माई मैथ्स है, जैसा कुछ अच्छा नाम जो समझ में आए, ठीक है। तो डोमेन के बाद दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपका जो वेबसाइट में जो ब्लॉग है, ठीक है, ब्लॉग या पोस्ट में बोल लूँ या आर्टिकल बोलूँ, उसका टाइटल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 15-20 का, अगर 15-20 कैरेक्टर का होगा तो इनफ हो जाता है, मोर देन इनफ होना हो जाता है। और आपका जो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन रहेगा वो भी कम में लिखे, थोड़ा अच्छा लिखे, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, देखिए मैंने जो ब्लॉग, मेरा जो वेबसाइट है उसका मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पोस्ट है काफ़ी स्मॉल, मतलब छोटे में लिखा है मैंने, रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वीजेस ट्यूटोरियल, चैट एप्लीकेशन यूज इन ऑडियंस, सॉकेट आयो, व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आपका जो पोस्ट है वो पोस्ट का जो टाइटल है वो छोटे में रहे और थोड़ा समझ में आए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपके वेबसाइट में क्रिएट, मतलब अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस का पेज होना ही चाहिए। फिलहाल मेरे वेब पेज में तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं है, सिर्फ अबाउट अस का है, कॉन्टैक्ट अस का है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये कॉन्टैक्ट अस है और यहाँ पर है नीचे अबाउट अस, ये रहा अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस का भी पेज है, कॉन्टैक्ट अस का भी पेज है, ठीक है। ये देखिए ऐड चेंज हो गया, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या करना है मैं बताता हूँ। आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। अब मैं अपने कंटेंट की बात करता हूँ तो कॉपी वाला कंटेंट बिल्कुल मत डालना, अपने खुद के कंटेंट डालिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कंटेंट कैसे होना चाहिए। देखिए सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन में मैं आता हूँ, मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, मैंने खुद की कंटेंट लिखी है, देखिए, ठीक है, बहुत कम ही लिखी है पर लिखी खुद की है मेरी। आप अगर चेक करेंगे जो भी पोस्ट है मैंने खुद ने ही लिखा है, वो हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिखा है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये इमेज भी मैंने खुद ने ही बनाया है, इमेज कॉपी भी आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। देखिए तो ये लगभग 400-500 वर्ड्स, ये देखिए यहाँ पे भी विज्ञापन आ रहा है गूगल का, ठीक है, विज्ञापन द्वारा, गूगल द्वारा विज्ञापन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ 500 वर्ड्स में है मेरा पोस्ट, तो ज़रूरी नहीं हमारा पोस्ट आपका 500 से 1000 वर्ड्स में हो, उससे कम में भी चल जाएगा, पर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन की जो एज है, अगर आप वेबसाइट बनाए हैं तो
मैं कहूँगा कि अगर आप इंडिया से हो तो कम से कम 5 से 6 महीने रुक जाइए, उसके बाद अप्रूवल के लिए अप्लाई कीजिए तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने जैसे आज ही वेबसाइट बनाई हो तो 10 दिन बाद अप्रूवल के लिए अप्लाई करें तो मुश्किल है मिलना आपको, ठीक है। तो हाँ, अगर आपकी वेबसाइट में काफ़ी सारे पोस्ट हैं, आर्टिकल है, काफ़ी टॉप क्वालिटी के हैं, तो आपको 4 दिन में मिल सकती है। मतलब अगर आपने आज वेबसाइट बनाई और 10 दिन बाद अप्लाई करते हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, पर वैसा होता नहीं। तो बेटर है कि 6 महीना रुकिए, अपने वेबसाइट पर काफ़ी टाइम दीजिए, विजिटर्स को बढ़ाइए, व्यूवर्स को बढ़ाइए, और फिर अप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट एंड आर्टिकल्स 10 से, अगर आपकी वेबसाइट में 15 से 20 आर्टिकल्स है तो मोर देन इनफ हो गया, आप अप्लाई कर सकते हो। और एक जो आर्टिकल है उसमें लगभग 500 वर्ड्स रहेगा तो भी अच्छी बात है, उससे कम रहेगा तो भी ठीक है। तो टोटल मेरे वेबसाइट में लगभग 22 पोस्ट है, और वो वर्डिंग्स अगर देखा जाए तो मिला के वो 2.5 से 3 हज़ार के नहीं, लगभग 6 से 7 हज़ार वर्ड्स के आसपास आता है। ये रहा टोटल 23 पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट का भी काउंटिंग आप कर लीजिए। टेम्पलेट थीम शुड बी एडसेंस फ्रेंडली, और जो आपका टेम्पलेट है वो, जो थीम की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्पलेट थीम मतलब ये देख रहे हैं आप पूरा ओवरऑल डिज़ाइनिंग। ये जो थीम मैंने लिया है, ये थीम तो अलग थी, मैंने इसको काफ़ी कस्टमाइज़ किया है, ये थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। ये देखिए कमेंट्स वगैरह भी आए हैं मुझे, तो थीम भी आप अच्छी चुनें। थीम वगैरह का इतना मैटर तो नहीं होता वैसे, बट फिर भी हाँ, मेन तो ये है कि नो कॉपीड कंटेंट नॉट इवन इमेज, ठीक है। कॉपी कंटेंट आपके वेबसाइट में होना नहीं चाहिए, मतलब जैसे मैंने अगर अफिलिएट मार्केटिंग भी जो जो लिखा है और आप उसको उठा के चिपका देते हो अपने वेबसाइट पे, तो फिर तो गूगल एडसन आपको देगा नहीं, अप्रूवल दे ही नहीं सकता। इसीलिए कोशिश करना कि, मैंने सुना है कि अगर आपके पेज पे 10 से 12% मतलब कंटेंट, जैसे एक पोस्ट है उसमें 500 वर्ड्स है, अगर 20-25 वर्ड्स आपके कॉपी हुए हैं तो ठीक है, एक बार चल जाएगा, पर पूरा का पूरा कंटेंट मत उठाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसमें थोड़े मोड़े चेंजेस कर लीजिए, पर कंटेंट सेम मत रखिए, ठीक है। और इमेज भी आप खुद ही बनाइए। मैं देखिए, मैं बता रहा हूँ इमेज खुद कैसे बनाना है। देखिए ये जो, ये तो इमेज मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आ गया, एक सेकेंड, ये देखिए ये जो इमेज है ये मैंने खुद ने बनाया है। व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब इमेज मैंने photo.com से इमेज को मैंने बनाया है, ठीक है। तो इमेज आपका खुद का होना चाहिए, आप कॉपी पेस्ट वाला इमेज बिल्कुल मत डालिए, नहीं तो गूगल अप्रूवल देगा नहीं। कॉपी पेस्ट कंटेंट के लिए गूगल बहुत रिस्ट्रिक्ट है, बाकी के ऊपर कुछ पॉइंट्स अगर आपके मिसिंग है ना तो भी आपको अप्रूवल मिल सकता है, बट अगर कॉपीड है ना तो सोचना ही बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अपने खुद के कंटेंट डालिए, कॉपी पेस्ट मत करिए। ट्रैफिक एंड रैंकिंग, देखिए अगर ट्रैफिक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, पिछले 6 महीने में मेरे वेबसाइट पे लगभग 7 से 8 हज़ार लोग आए थे तो ठीक ठाक था, अगर 1-2 हज़ार होते तो भी मुझे अप्रूवल मिल जाता, क्योंकि मैंने जो गूगल का मेन पॉइंट था कॉपी कंटेंट वाला वो मैंने बिल्कुल नहीं किया, इसीलिए अप्रूवल बहुत फास्ट मिल गया। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे वेबसाइट में तो कुछ है ही नहीं, मुझे अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मिल गया। तो ट्रैफिक और रैंकिंग ये ज़रूरी नहीं है, तो भी अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, अर्निंग आपको स्टार्ट हो जाएगी, जैसे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा तो ये करेंगे तो अच्छी बात है। और लास्ट का पॉइंट ये भी है कि जैसे हम लोग को गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलता तो हम लोग दूसरी कंपनियों से एड्स चलाते हैं, जैसे चितिका है, इन्फोलिंक है, क्लिकसर है, या जो भी है दूसरा, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अमेज़न के एड्स चला रहे हैं, तो वो अप्लाई करते समय उसको ज़रूर निकाल दीजिए, नहीं तो गूगल अप्रूवल देता नहीं है। और जब जैसे अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद आप इनके एड्स को ज़रूर चला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताया आपको, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर एडसेंस का अप्रूवल चाहिए दोस्तों तो ये पॉइंट्स को ज़रूर आप अपने वेबसाइट में मेंशन करें, ध्यान रखें, और जो जैसे ये मेनूज़ वगैरह हैं थोड़ा सा सब मेनूज़ वगैरह भी इसमें डालिए, ठीक है। फेविकॉन अगर आपके आप वेबसाइट में नहीं तो उसको भी लगाए, मतलब आपकी वेबसाइट गूगल को अच्छी लगनी चाहिए देखने में। अब जैसे ये मेरी वेबसाइट है तो देखने में ठीक ठाक लग रही थी, तो इसलिए मुझे लगता है एडसेंस ने अप्रूवल दे लिया। अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट कितना भी अच्छा पर आपकी जैसे वेबसाइट अच्छी नहीं दिख रही है, पुअर है, या कहीं से ये पेज मिसिंग है, वो पेज मिसिंग है, तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, और भी रिसर्च करिए, ठीक है। मैंने जो 10 पॉइंट बताए इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आप गूगल पर सर्च करिए कि क्या क्या करना चाहिए। फिलहाल जो जो मैंने किया था उस पर मुझे मिल गया है, वो पॉइंट मैंने आपसे शेयर कर लिया, ठीक है।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।